भगवान ने जब प्रणाम कर लिया तब तो सती को समझ जाना चाहिए, नहीं समझी। तब प्रभु ने खुलकर कह दिया, देवी आप अकेली घूम रही हैं, मेरे बाप भोलेनाथ कहाँ गए? और जब भोलेनाथ को बाप कहा तब सती डर गई कि मुझे अब मान कह दे, इसलिए भागी वहां से। और भागी तो भगवान सामने आकर खड़े, जहां चित वहीं तह प्रभु वासीना, डर के मारे भागी, भगवान सामने आकर खड़े हुए। और मजे की बात ये, असली सीता भगवान के साथ। अब सोचो असली सीता को देखकर नकली की क्या हालत हुई होगी, पसीने पसीने हो गई सती, मुंह छुपा करके दाई ओर भागी, भगवान वहां भी खड़े, बाई ओर भागी, भगवान वहां भी खड़े। जहां चित वहीं तहां प्रभु वासीना, और सेवहिं सिद्ध मुनि सती इतनी डर गई, इतनी घबरा गई, शरीर कांपने लगा, तन की सुधि बुद्धि न रही, एकदम कांप गई सती। तो डर के मारे सती ने आंख बंद कर लिया, बैठ गई, घबरा गई। लक्ष्मण जी ने सोचा कि प्रभु अब बीमारी ठीक हो गई है लगता है, अब छोड़ दीजिए, अब इसको एडमिट की जरूरत नहीं है, छोड़िए। तो भगवान अचानक वहां से अंतर्ध्यान हो गए, न सीताजी न लक्ष्मण न प्रभु राम, अब सती उठी। लेकिन अब सती के मन में बड़ा पश्चाताप, बड़ी आत्मग्लानि, बड़ी दुखी हुई सती कि अब मैं भोलेनाथ यदि पूछ लिए मैं क्या उत्तर दूंगी। अब शर्मा रही है, शर्मिंदगी से मन में बड़ा पश्चाताप है कि अब मैं कैसे क्या मुंह लेकर शिव के पास जाऊं। अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग भी गलती कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं, यार ऐसा न किया होता तो अच्छा था। लेकिन प्यारे बाद में तुम कितने ही पछता लो, बाद का पछताना किस काम का, काम बिगड़ ही गया, अब बाद में तुम कितना ही सिर पेटो, इससे अच्छा है पहले विचार कर कदम बढ़ाओ। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता, बगैर विचार किए करोगे तो पछताना ही पड़ेगा साहब, इसलिए शुरू में विचार कर लो। कोई भी कदम बढ़ाने से पहले 10 लोगों को पूछो, क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, भाई कृषि सूख ही जाए बाद में बारिश हो, उस बारिश का क्या, बाद में तुम कितने ही पछताओ काम बिगड़ने के बाद, क्या मतलब उस पछताने का। इसलिए कहते हैं कोई भी कदम बढ़ाओ तो बार बार विचार करो, खुद विचार करो, चिंतन करो, ये कार्य जो करने जा रहा हूं ठीक है कि नहीं, बाद में हमें रोना पड़े ऐसा कार्य करो ही मत। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है, बगैर विचार के क्यों, पहले विचारो, पहले सोचो, बार बार विचार करो। एक आदमी सुबह सुबह गांव में अपने घर के बाहर बैठकर दातून कर रहा था, पुराने जमाने की बात, दरवाजे पर बैठा हुआ दातून कर रहा था। वो पड़ोसी के यहां सामने एक भैंस बंधी थी,
तो भैंस की सींग भी कुछ ऐसी थी कि एकदम गोल और आपस में ज्वाइंट, दोनों सींग आपस में जुड़ी और बिल्कुल गोल वर्तुलाकार। तो आदमी दातून करते करते सोच रहा है कि ये भैंस के सींग में अपना मैं सिर घुसाऊं तो चला जाएगा कि नहीं। दातून करते करते सोच रहा है, एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, चार दिन हुआ, रोज दरवाजे पर जब भी दातून करता भैंस दिखाई पड़ती और मन में यही ख्याल आता कि ये सींग में अपना सुर में घुसाऊं तो घुस जाएगा। एक दिन उसने जाकर घुसा ही दिया, अब सींग में उसका सिर घुसा तो भैंस भी बेचारी घबराई और सिर इधर उधर करने लगी और इतने में उसकी गर्दन फंस गई अंदर, चिल्लाने लगा गांव वालों को, बचाओ बचाओ भैया बचाओ। गांव वाले सब इकट्ठे हुए, ये क्या किया तूने, और भैंस भी बेचारी घबरा गई। और बड़ी मुश्किल से गांव वालों ने भैंस को कंट्रोल किया, पकड़ा, जैसे तैसे आरी से काट वाट कर इसका सिर निकाला, सिर बच गया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने डांटा, मूर्ख क्या किया था तूने, अरे कम से कम सोचकर काम करना चाहिए। उसने कहा अब कितना सोचूं, छह महीने से सोच ही तो रहा था, और कितना सोचूं, ऐसा कार्य कभी मत करो भाई जो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। दस लोगों से सलाह ले लो, पूछ लो। अब सती के मन में पश्चाताप है, ग्लानी है, चली है शिव के पास। भोलेनाथ ने दूर से देखा कि सती आ रही हैं इलाज करवाकर, तो भोलेनाथ उठ करके गए और जाकर देवी पूछा कि देवी कौन हो तुम, इलाज करवा कर आ रही हो तो अब ठीक लग रहा है, और सत्य बताना देवी, जो कार्य आज तक मैं नहीं कर पाया वो तुम करके आ रही हो, झूठ मत बोलना देवी, कैसे परीक्षा लिया। सती ने कहा परीक्षा नहीं 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 महाराज, मैं परीक्षा करने थोड़ी गई थी, कोई परीक्षा नहीं लिया मैंने, बार बार शिव जी ने कहा था झूठ मत बोलना, फिर भी सती ने झूठ बोला और दो झूठ बोला। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, मैंने सोचा कि आप मेरे पति हैं, आपने दूर से प्रणाम किया है, मैं जरा जाकर पांव छुआऊं, प्रणाम किया था महाराज मैंने तो, कितना झूठ बोल रही हूं, इसने प्रणाम किया, उल्टे प्रभु ने इसको प्रणाम किया और यहां आकर झूठ बोल रही, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया महाराज। एक भूल को छुपाने के लिए कितना झूठ बोल रही हूं, ये रामायण से सीखो। हम भी जब अपनी एक गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं तो उसके सपोर्ट में 10 झूठ बोलना पड़ता है, इससे अच्छा है भाई 10 बार झूठ बोलकर पाप करने से अच्छा है एक बार में ही स्वीकार लो ना कि हाँ भाई गलती हो गई। अपने भूल को छुपाओ मत। हमारे संत जनों से भगवान इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं, संत लोग अपने भूल को छुपाते नहीं। मौसम कौन कुटिल खल काम, सुरदास जी, हे गोविंद मेरे समान कौन कुटिल होगा, मेरे समान कौन खल होगा।
अपने आप को दीन बनाकर प्रभु के सामने रख देते हैं कि हाँ मालिक मेरे भीतर इतने अवगुण हैं, अब स्वीकार करना हो तो करो वरना ठोकर मार दो।